Hello everyone, my name is Abhishek Singh, you are watching Six Pack Programmer and this is the fifth part of JavaScript course and इसमें हम करने वाले हैं functions के बारे में बताऊंगा and finally scoping के बारे में जो मैंने first video में बताया था scoping क्या होती है. So without further delay start करते हैं video को. 3, 2, 1 start. So again वही हमारे HTML file, right click करी, open with iServer and just like that खुल गया. So इधर मैं console खोल लेता हूँ एंड यहाँ पे इसे क्लोज करके अपनी JS फाइल में आ जाते हैं. सो ये हमारा वापस से पैनल तैयार. नाउ इसमें सीखने वाले हैं फंक्शन. तो सबसे पहले क्या फंक्शन होते क्या है तो चलो समझ आ ही जाएगा, पर चाहिए क्यों ये समझाता हूँ पहले. मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, ये मैंने सेव किया. सेव करते ही ये चल गया. सबसे पहले तो मैं चाहता ही नहीं हूँ कि ये चले, राइट मैं चाहता ही नहीं हूँ कि ये फाइल सेव होती चले. तो यहाँ पे एक तो फंक्शन का काम आता है. मैं क्या करूँगा, इसे एक फंक्शन के अंदर बनाऊँगा एंड जब तक उस फंक्शन को मैनुअली कॉल ना किया जाए, जब तक ये प्रिंट नहीं होगा. एक तो पहला काम ये होगा फंक्शन का कि जैसे ही फंक्शन को कॉल करें, जब एक्टिवेट होगा फंक्शन तभी उसके अंदर का कोड चलेगा. वरना इस फाइल में क्या होगा, इसमें तो जो भी मैं लिखूँगा वो सीधा सीधा फाइल सेव करते प्रिंट होता जाएगा. पहला तो ये यूज़ होगा फंक्शन का. दूसरा क्या यूज़ है कि अगर मैं बहुत बड़ा कुछ कर रहा हूँ, जैसे कि मान लो मैंने बनाया लेट ए इक्वल्स टू ये, ऐसे ही बी और सी भी बना लेता हूँ. ये तीन मैंने वेरिएबल बना दिया. अब मुझे क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग करना है ए प्लस बी प्लस सी. तो अभी मुझे दिया गया 69 आ गया. सो ये ऐसा एक फंक्शन बना सकता हूँ कि बस उसमें मुझे ऊपर से ऐसे वैल्यू डालनी हो, जैसे मैं ए प्लस बी प्लस सी डाल रहा हूँ, तीन वैल्यू डालूँ और वो फंक्शन मुझे टोटल करके दे. अब तुम बोलोगे तो मैं इसी लाइन में कर दूँ, क्योंकि फंक्शन का नाम लिखना होता है हमें एक ही लाइन में, ऐसे ये लिखना होगा. सो फंक्शन की अब भी क्या ज़रूरत है. बट ये तो अभी सिर्फ एक छोटा सा ऐसा फंक्शन था. अगर मान लो मुझे करना होता एक चीज़, लेट आंसर या लेट रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, या फिर ए मल्टीप्लाई 10, और 10 एक्चुअली मैं सब में मल्टीप्लाई कर दूंगा. ए की मल्टीप्लाई करी 10 से, बी की मल्टीप्लाई 10 से, सी की मल्टीप्लाई 10 से, और जो भी आंसर आएगा उसे डिवाइड कर दो 10 से, राइट. तो एक तो इसे मैं पूरे बड़े ब्रैकेट में कर देता हूँ, राइट. सो इसका जो भी आंसर आएगा वो 10 से डिवाइड कर दो, रिजल्ट में मिल गया. अभी भी एक लाइन में ही हो पा रहा है. बट इमेजिन कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती, 4-5 लाइन चली जाती उसमें, राइट. तो मुझे रिजल्ट प्रिंट करना था, मैं कर दूंगा कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, मुझे रिजल्ट आ जाएगा 69 आ गया फिर से, ठीक है. अब मुझे दोबारा कैलकुलेशन करनी है, इस बार 10 के बजाय कुछ और मल्टीप्लाई करना है, या इतना भी ना करके अगर मैं ए बी सी को हटा दूँ और यहाँ से करूँ 23 से मल्टीप्लाई, या करूँ 23 से, यहाँ करो 23 से, रिजल्ट तो मुझे अभी सेम ही मिलेगा. बट इस बार मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं एक और करूँ यहाँ पे, और इस बार 23 की बजाय मैं करूँ 45 से, और ये कर दूँ रिजल्ट 2 में स्टोर, ठीक है. एंड कंसोल डॉट लॉक कर दूँ मैं फिर से रिजल्ट 2 को, तो तुम देख रहे हो बार बार ऐसे कैलकुलेशन करनी पड़ रही है. अब मुझे तीसरे बार को किसी और वैल्यू के लिए करना होगा, फिर से ही लिखूंगा. तो तुम देख रहे हो कोड रिपीटेशन हो रहा है बार बार, राइट ना. ऑब्वियसली एक लाइन का हो रहा है, बट ये एक एग्जांपल है सिर्फ, एक लाइन की कैलकुलेशन है. इमेजिन करो 10 लाइन की होती तो बार बार मुझे सेम कोड बार बार कॉपी करना होता. तो इसके रेस्क्यू में आते हैं फंक्शंस. फंक्शन क्या करते हैं, मैं फंक्शन बनाता हूँ. सबसे पहले उसके लिए फंक्शन कीवर्ड लिखो, एंड सेकेंड थिंग उसका नाम लिखो कुछ, कोई भी फंक्शन हो. तो मैं कराता हूँ प्रिंट दी वैल्यू, सेम वैसे ही रूल्स हैं इसके भी जैसे वेरिएबल बनाने के टाइम पे रूल्स है. सो अगर नहीं देखे तो फर्स्ट वीडियो जरूर देखना. प्रिंट दी वैल्यू एंड उसके बाद ऐसे पैरेंथेसिस, राइट. इसके बाद कर्ली ब्रैकेट, ये बन गया हमारा एक फंक्शन. ये फंक्शन है बस एक. सो इसके अंदर मैं कुछ भी चीज़ लिखूँगा, जैसे कि अभी तक मैं कर रहा था कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट कर रहा था ना, वैसे इसमें करूँगा ऊपर रिजल्ट बना लूँगा लेट
रिजल्ट इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई 10 प्लस 23 मल्टीप्लाई 10 प्लस 23 मल्टीप्लाई 10 एंड इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसे डिवाइड कर देंगे 10 से और ये प्रिंट करना। अब मैं सेव करता हूँ, कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? एक तो सबसे पहला पॉइंट मैंने तुम्हें यही बताया था, जब तक इस फंक्शन को मैं कॉल नहीं करूँगा ये एक्टिवेट ही नहीं होगा। अब ये पड़ा हुआ फंक्शन है, बस एक हमने फंक्शन बना रखा है, ये कॉल ही नहीं होगा जब तक ये कुछ नहीं करेगा। सो कॉल कैसे करते हैं? सबसे पहले इसका नाम लिखो जो भी हमें कॉल करना है, प्रिंट द वैल्यू, एंड कॉल करने के लिए बस हमें ऐसे ब्रैकेट लगाना है और फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये देखो वॉइड दिखा रहा है, वॉइड मतलब ये कुछ चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा, या तो फंक्शन रिटर्न करेगा या फिर नहीं करेगा, तो ये नहीं कर रहा इसलिए वॉइड फंक्शन है ये। अब मैं सबसे पहले अभी समझाऊँगा रिटर्न क्या होता है वगैरह। सेव करता हूँ और देखो क्या होगा, आंसर आ गया क्योंकि कॉल हो गया, कॉल होती। अब जैसा मैंने कहा कि ये फंक्शन है, अब मुझे बार बार ये रिपीट नहीं करना पड़ेगा, बस मैं ये वर्ड लिखूँगा बार बार और बार बार प्रिंट हो जाएगा। सबसे बड़ी मुझे एक तो यही राहत मिली है फंक्शन की, कोड रिपीटेशन से बच गया, राइट। इमेजिन करो इसकी कैलकुलेशन और कॉम्प्लेक्स कर दो, मैंने क्या अब उसके बाद रिजल्ट की मल्टीप्लाई कर दो 2 से, फिर मल्टीप्लाई कर दो 10 से, और एक तो जब प्रिंट कर दो रिजल्ट, एंड उसके बाद रिजल्ट को डिवाइड कर दो 2 से और डिवाइड कर दो 20 से बेसिकली, उसके बाद प्रिंट कर दो। और ये रिजल्ट, ये वैल्यू चेंज इसलिए नहीं क्योंकि प्रिंट रिजल्ट ही हो रहा है, ये स्टोर नहीं किया ना। सो रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट में मल्टीप्लाई करिए, एंड ऐसे सेम मैं यहाँ करूँगा। सो देखो क्या होगा, सबसे पहले प्रिंट हुआ रिजल्ट जो कि हो चुका था डबल 20 टाइम्स एक्चुअली। सो ऐसे हो गया इसका 20 टाइम्स, उसके बाद मैंने वापस से 20 से डिवाइड कर दिया इसलिए वापस से 69 आ गया। सो आ गया ये। अब ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर दिया ना मैंने, क्योंकि पहले एक लाइन की थी, अब मुझे ये करना होता बार बार तो मुझे ये लाइन बार बार लिखनी होती, पेज भर जाते। अभी सिर्फ मुझे एक लाइन लिखनी है और कॉल करना है और आ जाएगा। अभी जैसे तुमने देखा कि मुझे सेकंड टाइम में 23 की बजाय करना था 45 से, तो मैं क्या करूँ? अब तो मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा 45 है क्योंकि उसके अंदर एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे हमारे पास काम आते हैं फंक्शंस के पैरामीटर, यहाँ मैं ऊपर एज पैरामीटर रिसीव कर सकता हूँ वेरिएबल, ठीक है। तो मैंने किया ए बी सी, कॉमा लगा के तीन वेरिएबल ले लिए ये। सो 23 की बजाय मैं रख दूँगा ए, इस 23 की बजाय रख दूँगा बी, इस 23 की बजाय रख दूँगा सी। सो तीन वेरिएबल हैं इस फंक्शन को दिए हैं, एंड अब यहाँ ये तो होते हैं पैरामीटर जो फंक्शन रिसीव करता है, ये भी वेरिएबल्स हैं बेसिकली, और इन वेरिएबल की वैल्यू यहाँ हम फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देंगे आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट मतलब बेसिकली वही पैरामीटर्स की वैल्यू, ये पैरामीटर्स हैं, ए रिसीव हो रहा पैरामीटर, कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम मुझे ए पैरामीटर यहाँ आर्ग्यूमेंट में देना ए की वैल्यू। देखो ये खुद इसने डिटेक्ट कर लिया ए बी और सी, कह रहा है ए यानी हो सकता है बी यानी सी यानी, डेटा टाइप की बात कर रहा है, स्ट्रिंग नंबर कुछ भी। सो मुझे ऐसे लिख के नहीं देना कि ए की वैल्यू है, मुझे बस सीधा नंबर दे देनी है। जैसे मुझे करनी थी 45 ए की वैल्यू, मैंने दिया 45, कॉमा लगाया, अब देने मुझे बी की वैल्यू। देखो इसने हाईलाइट भी कर दिया, बी की वैल्यू दिया उस वक्त में, तो मैंने कर दिया 45। तीसरी बार सी की वैल्यू, उसकी भी कर दिया 45। अब मैं सेव करूँगा, सो आ गया 135। और इसी को अगर मैं कॉपी करूँ इस बार दो 23 जैसा पहले था, क्योंकि यहाँ पे 23 था ना, सेव करूँगा 16 वाली वैल्यू आ गई वापस से। सो पहले तो मैं ये दो चीज़ हटा देता हूँ, ये नहीं करना, सिर्फ हमें इतनी सी कैलकुलेशन करनी है अभी, ये प्रिंट करना है। सो यही बात है कि ऐसे करके मैं जितने चाहे दे दूँ और कुछ भी वैल्यू बदल के दे सकता हूँ मैं, ज़रूरी नहीं कॉन्स्टेंट ऐसे ही दूँ, ज़रूरी नहीं तीनों की वैल्यू सेम ही दूँ, कुछ भी दे सकता हूँ मेरी मर्जी है। सो देखो हर एक उसमें काम कर रहा है सही से, हर एक उसमें अलग वैल्यू आ रही है। सो यही है, यहाँ से आर्गूमेंट पास करें इनके रिस्पेक्टिव, वहाँ आर्गूमेंट पैरामीटर्स को वैल्यू मिल गई। सो मैंने जो 23 पास किया था इस ए वेरिएबल को 23 मिल गया, यहाँ पास किया था ये मिल गया। सो इसे हटाता हूँ, कोई अलग वैल्यू वाला लेते हैं, ये देखो 50 आ गया। ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 0, सी की वैल्यू है 50, क्योंकि उसी के पोजिशन के हिसाब से दिए, राइट। अब अगर मैं इसे हटा देता हूँ, कुछ दे ही नहीं रहा, ठीक है, तो ये तो हो गई ए की वैल्यू 45 हो गई, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू मैंने दी नहीं, तो देखो आ गया नॉट अ नंबर। क्यों? क्योंकि सी को अगर मैं कंसोल लॉक करके दिखाऊँ तो क्या है, सी
अनडिफाइंड है जब सी की कुछ वैल्यू नहीं है तो। सो अनडिफाइंड की मल्टीप्लाई 10 से हुई और उसके बाद इसमें ऐड हो गया तो बस हो गया नंबर का ना, सनोटा नंबर आ गया। सो इसलिए यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर भी दे सकते हैं, मतलब इक्वल्स लगाकर मैं कर दूँ 0, सही है, तो ये आ गया 50। क्यों? डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हो गया। अब ये सी की वैल्यू हमने इनिशियली कर दी 0, मतलब अगर किसी ने सी की वैल्यू नहीं दी तो सी की वैल्यू हो जाएगी 0। तो सी की जगह 0 था, 0 से मल्टीप्लाई 0 हो गया, इसलिए वापस ऐसे। वरना अगर सी की कुछ और देनी तो मैं दे तो भी सकता हूँ, जैसे पहले दी थी 5, सो मैं दे दूँगा 5 और 5 ऐड हो गया। अगर मैं दूँगा 20 तो 50 में 20 ऐड हुआ ये, लेकिन अगर मैं नहीं देता हूँ वैल्यू तो वो 0 एक्वायर कर लेगा खुद ही। एक तो ये फंक्शन का फायदा है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। सो एक तो सबको दे देते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। और एक चीज़ और कि ये वाला वेरिएबल और कोई और अगर मैं वेरिएबल बनाऊँगा अलग अलग हैं, याद रखना, फंक्शन के अंदर के वेरिएबल और बाहर वाले। हमारा बनाया ABC, सेव करूँगा तो उसका इनसे कुछ लेना देना नहीं है, राइट। अगर मैं कम से लॉक करता हूँ ए को तो ये ए की वो वैल्यू दिखा रहा था मैंने यहाँ दिया, 51 दूंगा तो 51 प्रिंट कर देगा, उससे इसका कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, अगर मैं इसके पैरामीटर हटा दूँ, राइट, और मैं यहाँ दूँ या ना दूँ कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो अंदर कभी रिसीव किया होने के। सेव करूँ, अब ये वो दिखाएगा जो ऊपर थे, लेकिन जब मैं नाम रख दूँगा इनके तो बाहर से वेरिएबल से मतलब नहीं है, फिर तो फंक्शन के अंदर वेरिएबल है, ठीक है। सो अभी ये दिखा रहा है ए की वैल्यू 20, क्योंकि ए की वैल्यू बाहर 20 है। अब ये बाहर वाले वेरिएबल एक्सेस कर सकता है, राइट, ये बात है मेन। और अगर मैं ऐसे कर दूँ तो अब यही है वेरिएबल इसके लिए, बाहर वाले एग्जिस्ट नहीं करते, इट डज़न्ट मैटर। और एक चीज़ और कि अगर मैं इसका नाम हटा दूँ, यहाँ से भी अब ये बन गया एनोनिमस फंक्शन। सो मैं इसको स्टोर कर सकता हूँ किसी वेरिएबल में। सो मान लो लेट माई फंक नाम से वेरिएबल बनाया, उसमें स्टोर कर लिया। अब मैं माई फंक को कॉल कर सकता हूँ वैसे ही जैसे ऊपर कॉल किया था, और ये देखो इसी भी बता गया ABC तीनों नंबर दे सकता हूँ। सो अगर मैं नहीं देता हूँ तो ऑब्वियसली तीनों की वैल्यू 0 थी, बट इसे किया 10 तो अब 10 आ गया। और कंसोल लॉग हटा देता हूँ ए का, मान लो मैंने दिया 45 45, 100 होना चाहिए अब टोटल। सो या सो तुमने देखा है काम कर रहा है, ऐसे भी स्टोर कर सकते हैं, कौनस करके बना सकते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। अब जैसा मैंने बताया था ये void है फंक्शन, राइट, void रिटर्न टाइप वाला देख लेते हैं। सो ये क्या करेगा, ये कंसोल लॉग करने की बजाय रिटर्न करेगा रिजल्ट को। सो मैं सेव करूँगा, कुछ नहीं आया क्योंकि इसने रिटर्न किया होगा, पर स्टोर हमने कहीं किया नहीं है। सो या तो ये जो रिटर्न करेगा उसे हम कर देते हैं कंसोल लॉग, ये हटाओ अब, ठीक है, सेव। सो सेम रिजल्ट मिला क्योंकि जो इसने रिटर्न किया वो कंसोल लॉग हो गया, लेकिन हम चाहे तो इसे वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि आंसर इज इक्वल टू जो भी इससे मिलेगा रिजल्ट की वैल्यू मिलेगी इसमें, वो हम आंसर में स्टोर कर लेंगे, उसके बाद आंसर को कंसोल लॉग कर सकते हैं ऐसा, तो सेम ही बात पड़ेगी ना। ये मत पूछना वॉइड वाला फंक्शन बेटर है कि जो रिटर्न करता है वो, ऐसा कुछ नहीं, दोनों अपने अपने काम में आते हैं। अब यहाँ देखो होवर करूँगा, दिखा रहा नंबर रिटर्न कर रहा है क्योंकि नंबर ही कर रहा है, लेकिन अगर इसे कट करके स्ट्रिंग में रैप और सेव कर दूँ, अब ये बता देगा स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। सो इतना स्मार्ट है जावास्क्रिप्ट। सो एक तो सबसे पहले काम करते हैं, इसे कट करते हैं, नया फंक्शन बनाते हैं कौन, या फिर इसे ऐसे रहने देते हैं और इसे भी हटाते हैं। ये फंक्शन करता है रिजल्ट को रिटर्न, इंट्रो के नाम से फंक्शन बनाते हैं। सो सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड कैसे बना सकते हो, ऐसे वैसे जैसा मर्जी। सो इंट्रो, ये फंक्शन बनाया एंड ये क्या करेगा, ये एक मैं कंसोल लॉक कर देता हूँ, ये वाला देखो रिटर्न नहीं करता, ये कौन, ये वॉइड फंक्शन है, माई नेम इज, और ये टेम्पलेट स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वाली वीडियो मतलब सेकंड पार्ट में समझाई थी, फर्स्ट पार्ट में समझाई थी, फर्स्ट पार्ट जरूर देखना। सो यहाँ पे ऊपर हम नेम एक्सेस कर लेंगे ऐसे, यहाँ पे नेम आ जाएगा, हाय माय नेम इज दिस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल ASAP
वट आर यू वेटिंग फॉर, ये है एक फंक्शन जो कि नेम की वैल्यू लेगा और लिखा जाएगा। मान लो मैंने नेम की वैल्यू दी अभी, सो लिखा है माय नेम इज़ अभी, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आगे मैं और भी कुछ लिख देता हूँ, वट आर यू वेटिंग फॉर, माय चैनल नेम इज चैनल, ऊपर से रिसीव कर लेंगे। और इसको अभी कॉल नहीं किया तो कुछ नहीं हो रहा, कॉल करेंगे इंट्रो और ब्रैकेट लगा के कॉल। अभी देखो माय नेम इज़ अनडिफाइंड, माय चैनल नेम इज़ अनडिफाइंड, क्योंकि दिया ही नहीं है कुछ। सो एक तो इनिशियल वैल्यू भी रख देते हैं, इनिशियल वैल्यू और मैंने एम्प्टी रख दी तो एम्प्टी आ रहा है। माय नेम की वैल्यू से सैम्पल रख देते हैं, माय नेम इज़ सैम्पल, चैनल इज़ यूट्यूब, चैनल इज़ यूट्यूब, या कुछ भी रख सकते हो, ये तो एग्जांपल है बस। सो नेम की वैल्यू दी मैंने अभिषेक, एंड चैनल में दी मैंने सिक्स पैक प्रोग्रामर पी बड़ा, सेव करूँगा। हाय माय नेम इज अभिषेक, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लेस है व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, माय चैनल नेम इज सिक्स पैक प्रोग्रामर। ऐसा ही कुछ और कर सकते हैं, मान लो सिंग सिक्स पैक प्रोग्रामर, एंड इसके अलावा अभी सिक्स पैक प्रोग्रामर, सेव करूँगा, तीनों बार अलग अलग आया। सो तुम्हें समझ आ गया कैसे काम करता है। आई वन मोर थिंग, फंक्शन के अंदर फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसमें अभी तक एक हटा, एक छोड़ता हूँ बस, बाकी हटा के ये आया। उसके बाद मैं इसके अंदर इस कंसोल लॉग के बाद एक और कंसोल लॉग ऐड कर सकता हूँ, वाइल उसमें कॉल कर दूँगा माय फंक को। सो माय फंक, एंड इसको कॉल करूँगा, रिटर्न कर देगा जो भी रिजल्ट होगा। सो ए बी सी ये तीनों लिख देता हूँ। तो मैंने लिखा 10 10 10, सेव करूँगा तो 30 आ गया। और इसे अगर मैं कट करूँ तो तुम्हें पता है जहाँ भी रखूँगा ये 30 रिटर्न कर देगा। सो अगर मैं एक और स्ट्रिंग लगाऊँ माय इनकम इज़, एंड उसके बाद टेम्प यहाँ रख दूँ फंक्शन, सो आ गया माय इनकम इज़ 30, क्योंकि जहाँ भी ये होगा मैंने बताया 30 रिटर्न कर देगा, क्योंकि रिटर्न कर रहा है तो रिजल्ट, राइट। सो एक और कम कर देते हैं, माय इनकम इज़ 3, इसके आगे डॉलर का सिंबल लगा देते हैं, माय इनकम इज़ 3 डॉलर। सो तुम्हें समझ में आ गया कैसे काम करता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं, ये किया हुआ है, राइट। ओके, सो एक तुम्हारा टास्क है, एक फंक्शन बनाना है तुम्हें। इस फंक्शन को मैं हटा देता हूँ, कॉल नहीं कर रहे अभी। एक फंक्शन बनाना है, वो क्या करेगा, वो एरे का टोटल करके देगा, एरे का टोटल करके देगा, ठीक है। सो पॉज करो वीडियो और ट्राई करो पहले। आई होप तुमने ट्राई किया होगा, नहीं हुआ सॉल्व उसके बाद ही देख रहे हो, राइट। सो ये देखो, फंक्शन टोटल ऑफ एरे, ये इस नाम का फंक्शन है, ये बनाया, इसमें आएगी एरे, ऊपर से एरे आ गई, ठीक है। अगर कोई नहीं भेजेगा तो हम इनिशियली एम्प्टी एरे मान रहे हैं उसे, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे इसे एक तो फंक्शन को पता लग जाएगा एरे, सो एरे डॉट करूँगा तो उसे पता एरे के मेथड दिखाने लगेगा, ये नहीं करूँगा तो उसे पता ही नहीं एरे होगी तो मेथड नहीं दिखा रहा, इसलिए हम एक तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट मार रहे हैं एम्प्टी एरे। सो ये करेगा क्या, फॉर लूप चलाएंगे, एक तो पहले वेरिएबल बना लेते हैं टोटल, टोटल के नाम से जो कि 0 है इनिशियली, ठीक है। सो फॉर लूप चलाएंगे एक, लेट I इज इक्वल टू 0, I इज़ लेस देन, लेस देन कहाँ तक, 10 बार चलाऊँ 20 बार चलाऊँ, हमें कैसे पता लगेगा कब तक, जितनी एरे की लेंथ है जब वहाँ तक, एरे की लेंथ ऑब्वियसली वहाँ तक चलाओ, और हर एक इटरेशन पर i को प्लस कर दो, जैसा फॉर लूप सिखाया है। सो लूप चलेगा, सबसे पहले मैं कंसोल लॉग करके दिखाऊँगा एरे का ith आइटम, ठीक है। सो अभी तक ये कुछ रिटर्न नहीं करता, इसको कॉल करते हैं फंक्शन को, और इसमें एरे देनी है सो एरे देते हैं एज इट इज़, एरे दे दी एम्प्टी तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि खाली एम्प्टी, लूप ही नहीं चला। तो इस बार एरे देते हैं 1 2 3 4 5,
सेव करूँगा 1 2 3 4 5 एज इट इज़ आ गया प्रिंट होके एक एक। अब मैं करूँगा ए अभी सिंह, तो ऐसे प्रिंट होके आ गए दोनों। तो तुम्हें समझ में आ गया एरे ऐसे काम कर रही है। चाहे तो हम अलग से एरे भी बना सकते हैं ऐसे, कौन एर एर बनाओ माई एर, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और 1 2 3 4 5 और यहाँ पर एर ट्रांसफ़र कर दूँगा, सेम ही बात पड़ेगी ठीक है। सो मुझे इसका टोटल चाहिए 5 4 3 2 1। सो एरे हमें यहाँ से मिल रही है। उसके बाद क्या करूँगा मैं, इसे टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस जो भी एरे का आइथ आइटम है। सो एक तो सेव करने पे देखो वो चला गया क्योंकि कंसोल तो कर नहीं रहे ठीक है। रिटर्न करेंगे भी टोटल को इसको। तो देखो मैं समझाता हूँ क्या हुआ, पहली बार लूप चला टोटल की वैल्यू 0 है, एरे का आइटम 1 है तो टोटल में ऐड हो गया 1 क्योंकि 0 था, 0 और 1 1 तो टोटल की नई वैल्यू 1। तो एक लूप कंप्लीट होने पे टोटल की वैल्यू है 1। उसके बाद दोबारा लूप चला, यहाँ पे है 2 सेकंड टाइम पे और इसके अंदर थी 1 वैल्यू, सो 2 और 1 3, सो टोटल की नई वैल्यू है 3। तीसरी बार लूप चला, यहाँ 3 है और यहाँ पे क्या, यहाँ भी 3 है क्योंकि अभी समझा है 3 हो गई थी टोटल वैल्यू, सो 3 3 6 इसकी नई वैल्यू है 6। अब ये चौथी बार लूप चलेगा, इसकी वैल्यू टोटल की 6 है, सो यहाँ 6 आया, यहाँ 4 आया, 4 6 10 तो इसकी नई वैल्यू आ गई अब 10। अब यहाँ 10 है तो यहाँ 10 है अगली बार लास्ट लूप के अटैम्प्ट पे, और यहाँ 5 है, सो 5 प्लस 10 15 हो गया टोटल की वैल्यू 15 जो कि हम रिटर्न कर देंगे लूप के ख़त्म होने के बाद। ये लूप पूरा हो गया उसके बाद टोटल सेव करा, अभी भी इसे सेव नहीं किया किसी में, तो इसे सीधा कंसोल लॉग कर देते हैं जो भी रिटर्न करेगा 15 जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। अब एक चीज़ दिखाता हूँ, स्कोपिंग बहुत सही चीज़ है स्कोपिंग। सबसे पहले तो देखो मैंने लेट टोटल नाम से एक वेरिएबल बनाया, वो मैं अंदर भी यूज़ कर पाया, अंदर चेंज कर पाया राइट एक लूप के अंदर, एक तो तुम्हें पता लग गया। बट अगर ये फंक्शन तो ऐसे ही हटा देता हूँ मैं, एरे भी हटा देता हूँ, ये आई होप तुम सही कर पाओगे। अब स्कोपिंग कैसे सीखूँगा, मान लो मैंने एक ब्लॉक बनाया जैसे इफ एल्स के ब्लॉक होते हैं, ऐसा ब्लॉक बनाया, इसके अंदर लिखा मैंने कंसोल डॉट लॉग चेकिंग, सेव किया हूँ, सेव करते ही चल गया क्योंकि कोई फंक्शन नहीं है कि कॉल करना पड़े, बस ये ऐसी ब्लॉक है एक ठीक है, जैसे इफ एल्स का ब्लॉक होता है ये, मान लो इफ कंडीशन है बिना कंडीशन के। सो मैंने क्या किया, मैंने लेट ए इज इक्वल टू 20 बनाया, कंसोल डॉट लॉग किया 20 को, सेव करूँगा 20 आ गया ठीक है ठीक है ठीक है। ए किया, ए की वैल्यू कर दी मैंने 30, पहली बार तो 20 नहीं ए को किया कंसोल लॉग, उसके बाद ए की वैल्यू कर दी मैंने 30 तो ए की वैल्यू आ गई 30। बट यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने लेट ए इज इक्वल टू 30 कर दिया। अब बताओ सेव करूँगा तो अब इसकी वैल्यू 30 है और ये कंसोल लॉग मैं बाहर करूँगा, सो देखो क्या होगा समझे, इसने कंसोल लॉग ए जो किया था वो किया था ये वाला ठीक है, और इसने कंसोल लॉग किया ये वाला, क्यों, क्योंकि जब तक मैं ये दोबारा इनिशलाइज ना करूँ ब्लॉक के अंदर वेरिएबल, चाहे इफ एल्स ब्लॉक हो फॉर लूप हो कोई सा भी ब्लॉक, कर्ली ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ मैं, ब्लॉक से मतलब है कर्ली ब्रैकेट। सो जब तक मैं दोबारा इनिशलाइज ना करूँ उसकी वैल्यू वही रहेगी। अब मैं सेव करूँगा तो दोनों में 30 30 दिखा, क्यों, क्योंकि पहला वेरिएबल ए था 20 वैल्यू वाला, उसके हमने 30 कर दी तो ए प्रिंट किया, ए की वैल्यू 30 थी क्योंकि दोनों ए की वेरिएबल हैं इस वक्त, तो इसलिए दोनों 30 प्रिंट कर देंगे। इस वक्त की कंडीशन है ये वेरिएबल अलग है, अलग है ये ब्लॉक के स्कोप के अंदर का वेरिएबल है, ये ग्लोबल लेवल पर वेरिएबल है, ये किसी स्कोप के अंदर नहीं है किसी ब्लॉक के अंदर ये है। तो अब मैं चाहूँ तो इसको बी कर दूँ, अगर मैं इसको बी कर दूँ और बी वाले को बाहर प्रिंट करूँ तो एरर मिलेगा, मैं बी को प्रिंट नहीं कर सकता क्योंकि ये बी एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये सिर्फ इसका इसकी औकात सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर रखी है। सेव करूँगा आ जाएगा बी इज़ नॉट डिक्लेयर्ड, ये वाला बी चल गया 30, बाहर वाला बी एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो और लेकिन अगर मैं क्या करता इसकी बजाय वायर यूज़ करता, लेट की बजाय वायर, और अब मैं करूँ बी को बाहर प्रिंट, अब चल जाएगा
ये डिफरेंस है लेट और वार में। मैंने कहा था ना फर्स्ट वीडियो में समझाया नहीं था, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट डिफरेंस है स्कोपिंग के टाइम पे समझाओ, ये डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि वेर जो है वेर बनाया वेर से वेरिएबल, तो किसी ब्लॉक के अंदर बनाया हो लेकिन बाहर भी एक्सेसिबल है वो, ठीक है सो कर लिया। लेकिन जब मैं लेट से बनाऊँगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं ये हटाई दूँ, ये देखो मैंने बी बनाया और ये देखो ये थोड़ा फेड सा हो गया क्योंकि बी यूज़ ही नहीं हो रहा। ये और ये भी अलग है क्योंकि लेट से बनाया, बट जब वायर से करूँगा तो ये दोनों एक ही भी हैं, आधा एक्सेसिबल है। सो ये है अच्छी बात, इसलिए लेट यूज़ करते हैं। तुम्हें लग रहा होगा वायर अच्छा ना पड़े तो वायर को एक्सेस कर सकते हैं, तो तभी तो कन्फ्यूजन होती है और नाश होता है, इसलिए लेट यूज़ करते हैं ताकि बाहर स्कोप के बाहर एक्सेसिबल ना हो। अगर मैं इसको कर दूँ लेट तो देखो एक तो एरर आ गया, यहाँ पर लेट है और ये वायर है, तो इसको कह रहा है दोबारा इनिशियलाइज नहीं कर सकते क्योंकि जैसा हमारा होता है वायर को हम बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। सो इस ये वायर वाला इसके ग्लोबल लेवल से टकरा रहा है, सो इसलिए हमें इसे भी लेट करना पड़ेगा ताकि ये दोनों अलग ही रहें, ठीक है। अब सही है, तो देखो एक तो ये यूज़ ही नहीं हो रहा, इसके अगर मैं वैल्यू 20 कर देता हूँ तो भी सिर्फ वो बाहर वाला प्रिंट हो रहा है। सो आई होप लेट से समझ गए होंगे तुम। अगर मैं इसको हटा दूँ लेकिन अंदर रखूँ कंसोल डॉट लॉग बी तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ, जैसा मैंने बताया ग्लोबल वाली चीज़ अंदर एक्सेस कर सकते हैं पर अंदर वाली चीज़ बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, जस्ट लाइक दैट। लेट के केस में, वायर के केस में तो वो भी कर सकते हैं, वायर तो ये देखो हो गया, और जैसे लेट के में नहीं कर सकते वैसे ही कॉन्स के में भी नहीं कर सकते, देखो आ गया। और कॉन्स और लेट में फ़र्क तुम्हें पता ही है। सो या आई थिंक समझ में आ गया होगा इतना सब कुछ। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, थैंक्स फॉर वॉचिंग, माय नेम इज अभिषेक सिंह, ओवर एंड आउट। ओडियो जंगल।